नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खी पर। देश भर में 24 घंटे में पहली बार 3 लाख से ज्यादा मरीज हुए कोविड से ठीक। उत्तरी बिहार के कई हिस्से रहेंगे आंधी बारिश की चपेट में। पीएमसीएच में कोरोना मरीजों के लिए तैयार होंगे 1200 बेड। गरीबों को मुफ्त में अतिरिक्त अनाज देगी बिहार सरकार। पटना में घर बैठे ऑनलाइन मंगाए ताजी और सस्ती सब्जियां। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। पीएमसीएच में कोरोना मरीजों के लिए तैयार होंगे 1200 बेड। राजधानी पटना के पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि पीएमसीएच में कुल 1200 बेड कोरोना पीड़ितों के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जिससे कि बड़ी संख्या में मरीजों का यहां बेहतर से इलाज हो सकेगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और जल्द ही बेड को तैयार किए जाएंगे। आपको बताते चले कि पीएमसीएच में कोविड वार्ड में फिलहाल 100 बेड पर ही कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। पीएमसीएच के सभी वार्डों को मिलाकर कुल क्षमता 1750 मरीजों की है, जिसमें से अब 1200 बेड केवल कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए आरक्षित होंगे और बाकी बचे बेड पर अन्य मरीजों का इलाज किया जाएगा। ऐसे में किसी भी मरीजों को इलाज में परेशानी नहीं होगी। केंद्र सरकार ने बढ़ाया बिहार के लिए ऑक्सीजन का कोटा। ऑक्सीजन की कमी के बीच एक अच्छी खबर बिहार के लिए है। केंद्र सरकार ने बिहार को दी जाने वाली ऑक्सीजन का कोटा में बढ़ोतरी कर दी है। इसके तहत जहां पहले बिहार के हिस्से में 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलता था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 210 मीट्रिक टन कर दिया गया है। इससे राज्य में इलाजरत मरीजों के इलाज में सुविधा मिलेगी, वहीं ऑक्सीजन की कालाबाजारी से भी राहत मिलेगी। इससे पहले केंद्र ने रेमडेसिविर का भी कोटा बढ़ाया था। आपको बताते चले कि बिहार में फिलहाल 19 प्लांटों में ऑक्सीजन को लेकर काम चल रहा है, जिससे कि 134 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भी 15 से 20 मीट्रिक टन क्रायोजेनिक टैंक लगाने पर काम हो रहा है। उत्तरी बिहार के कई हिस्से रहेंगे आंधी बारिश की चपेट में। राज्य में इन दिनों मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे कि धूप की तपिश और वातावरण में तापमान में कमी महसूस की गई है। वहीं मौसम विभाग ने भी आने वाले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में बने चक्रवात के कारण इसका असर 4 मई तक बिहार में भी पड़ने वाला है। इससे राज्य के उत्तरी हिस्से में आंधी के साथ बारिश जैसी स्थिति बनी हुई है। बीते रात से ही मुजफ्फरपुर, दरभंगा सहित कई जिलों में छिटपुट बारिश हो रही है। वहीं राज्य के उत्तरी भाग में आंधी के साथ बारिश होने से प्रदेश के अन्य भाग का मौसम काफी सुहावना हो गया है। हालांकि दोपहर बाद वातावरण में उमस बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन उसके बाद तापमान में एक बार फिर गिरावट आने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। महाराष्ट्र से मुजफ्फरपुर के लिए चलेगी एक और स्पेशल ट्रेन। महाराष्ट्र से हालात बिगड़ने के बाद कई फैक्ट्रियों में ताला जड़ गया है, जिससे वहां काम करने वाले प्रवासी मजदूर वापस अपने अपने घर को लौट रहे हैं। इनमें बिहार आने वाले मजदूरों की संख्या रोज बढ़ती जा रही है, जिसकी परेशानियों को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने बढ़ जोड़ी ट्रेनों के फेरे में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इस क्रम में आज 2 मई से 09175 मुंबई सेंट्रल भागलपुर प्रत्येक रविवार को खुलेगी, जो कि कानपुर सेंट्रल, ऐसबाग, बाराबाकी जंक्शन, गोंडा जंक्शन, बस्ती, गोरखपुर जंक्शन, बेतिया, बापूधाम, मोतिहारी के रास्ते मुजफ्फरपुर पहुंचेंगी। और ये सभी ट्रेनें आरक्षित श्रेणी के होंगे, यानी इसके लिए पहले से रिजर्वेशन करवाना होगा। पटना के शमशान घाट होंगे सीसीटीवी कैमरों से लैस। राजधानी पटना के शमशान घाटों में कोरोना बीमारी से जान जाने के कारण रोज दर्जनों शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसके लिए पटना नगर निगम ने शमशान घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है, जिससे कि पूरी पारदर्शिता के साथ कोविड संक्रमित मृतकों का अंतिम संस्कार किया जा सके। इसके तहत पटना नगर निगम ने निर्णय लिया है कि राजधानी के खाजकला घाट, गुलबी घाट और बांस घाट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना मृतकों का अंतिम संस्कार इन घाटों पर विद्युत शब्दाग्री और लकड़ी दोनों के माध्यम से कराया जा रहा है। वहीं कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार करने में जो भी पैसा लगेगा, उसका पूरा वहन बिहार सरकार की तरफ से ही उठाया जाएगा। गरीबों को मुफ्त में अतिरिक्त अनाज देगी बिहार सरकार। कोरोना काल में लोगों के काम धंधा ठप हो जाने के बाद रोज कमाने वाले और दिहाड़ी पर काम करने वाले कई लोगों के सामने भोजन पानी की समस्या खड़ी हो गई है, जिसे लेकर खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने गरीबों को 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज देने का फैसला किया है। इसके तहत मई और जून तक 5 किलो अतिरिक्त अनाज मुफ्त में दिए जाएंगे। इसके लिए 6 मई से गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त में अनाज मिलेंगे। आपको बताते चले कि राशन कार्ड पर मुफ्त में अनाज देने का काम पिछले साल भी लॉकडाउन जारी रहने तक किया गया था। वहीं सरकार ने धान की तर्ज पर गेहूं की खरीदारी के लिए भी अपने लक्ष्य को बढ़ा दिया है, जिसके मुताबिक अब 31 मई तक सरकार 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी किसानों से करेगी।
बिहार आईएमए ने किया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। कोरोना की दूसरी लहर में खुद दूसरों की जान बचाने वाले डॉक्टर भी अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बीमारी की दूसरी लहर ने बिहार में अभी तक 32 डॉक्टरों की जान ले ली है। इसको लेकर बिहार आईएमए द्वारा आज शाम 4 बजे एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मृत डॉक्टरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया गया। वहीं सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन भी धारण किया। आपको बताते चले कि इस संबंध में बिहार आईएमए स्टेट ब्रांच ने कल ही एक नोटिस जारी कर कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी थी। वहीं नोटिस में बीमारी से अपनी जान खोने वाले सभी 32 डॉक्टरों के नाम की लिस्ट भी जारी की गई थी। पूर्णिया में लोजपा नेता के अपहरण के बाद उनकी जान ले ली गई। पूर्णिया जिले में लोजपा के प्रदेश नेता अनिल उराव की 3 दिनों पहले अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ताओं ने उनकी जान ले ली। उनका शव आज सुबह केनगर थाना क्षेत्र के झुंडी इस्तबरार के दंगराहा गांव में मिला। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि शौच के लिए गई एक महिला ने मिट्टी में गिरे शव को देखने के बाद उसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद उनकी पहचान हो सकी। अपहरणकर्ताओं ने शुक्रवार की रात को ही उनके परिवार वालों से 10 लाख रुपये फिरौती के तौर पर वसूल कर लिया था। बावजूद इसके लोजपा नेता को छोड़ने के बजाय उनकी जान ले ली गई। शव के मिलने के बाद से आक्रोशित होकर परिजन और स्थानीय लोगों व लोजपा के नेताओं ने शहर के कई चौक चौराहों को जाम कर अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं लोगों ने पुलिस पर भी इस घटना में किसी तरह की मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। पटना में घर बैठे ऑनलाइन मंगाए ताजी और सस्ती सब्जियां। राजधानी पटना में रोज इतने अधिक केस देखने को मिल रहे हैं, जिससे अब आम लोग रोजमर्रा की चीजों के अलावे सब्जी तरकारी खरीदने में भी बाहर निकलने से बच रहे हैं। ऐसे में अगर आप राजधानी पटना में रह रहे हैं तो आप सस्ते दरों पर ही ताजी सब्जियां को घर बैठे ही मंगा सकते हैं। दरअसल बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड बेजफेड ने अमेजन फ्लिपकार्ट की तर्ज पर ही पटना में ऑनलाइन ताजी सब्जी पहुंचानी शुरू कर दी है। इसके तहत पहले दिन शुक्रवार को बेजफेड ने पटना में 400 से अधिक लोगों को सस्ती और ताजी बिहारी तरकारी पैकेट में डिलीवर की। वहीं पश्चिमी चंपारण में भी करीब 200 ऑर्डर डिलीवर किए गए। गौरतलब है कि इस योजना के तहत ई कॉमर्स सब्जी विपणन व्यवसाय का शुभारंभ गुरुवार को ही किया गया था और इसके लिए कोई भी व्यक्ति tarkarimart.in पर सब्जी का ऑर्डर दे सकते हैं। इस बारे में सहकारिता सचिव वंदना प्रेयसी का कहना है कि इसका उद्देश्य सब्जी उत्पादक कृषकों को उनकी सब्जियों का उचित मूल्य दिलवाना तो है ही, वह लोगों को बीमारी के दौर में सुरक्षा के साथ सब्जियां उचित भाव पर उपलब्ध कराना भी है। अस्पताल निरीक्षण में रोक लगाने पर जा प्रमुख ने सरकार पर लगाया आरोप। जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव बीते दिनों से राजधानी पटना के कई अस्पतालों का निरीक्षण करते हुए खराब व्यवस्था दिखने पर सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। इस क्रम में वे आज सुबह आरा के सदर अस्पताल में निरीक्षण को पहुंचे, जहां उन्हें अंदर जाने से रोक देने पर पप्पू यादव ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल आरा में COVID-19 के वार्डो के हालात भी बुरे हैं, इसलिए ही प्रशासन ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए उन्हें जाने से रोका है। दरअसल उनका कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित था, मगर अस्पताल के बाहर ही प्रशासनिक टीम के साथ खड़ी थी, जिसके बाद कोविड संक्रमण का हवाला देते हुए उन्हें अस्पताल के भीतर जाने से रोक दिया गया। कोरोना काल में मदद को आगे आए तेजस्वी यादव। राज्य में बढ़ते संक्रमण के बाद यहां की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था भी सबके सामने उजागर हो गई है। वहीं इसको लेकर जहां विपक्ष सवाल उठा रहे हैं तो हाईकोर्ट तक ने भी नाराजगी जाहिर की है। इस बीच विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी विधानसभा सीट राघोपुर के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि आवंटित किया है। इसके लिए जिला योजना पदाधिकारी को पत्र जारी कर उन्होंने इस राशि से रेफरल अस्पताल मोहनपुर प्रखंड राघोपुर और PHC बिदुपुर के लिए 100 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, 50 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर ट्रॉली, 50 ऑक्सीजन फ्लोमीटर, 200 ऑक्सीजन मास्क, 50 बेड गद्दा, 100 बेड सीट और 10 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीन अतिशीघ्र खरीदने को कहा है। वहीं उन्होंने इसकी खरीदारी में राशि कम पड़ने पर तुरंत उन्हें सूचित करने की बात कही है। 4 मई से अगले आदेश तक नहीं चलेंगी भागलपुर और मुजफ्फरपुर के बीच जनसेवा एक्सप्रेस। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण कई ट्रेन में यात्रियों की भीड़ भी कम हो गई है, जिसे लेकर रेलवे ने कई ट्रेनों का परिचालन भी रोक दिया है। इसके तहत भागलपुर रेलखंड की भी एक ट्रेन जनसेवा एक्सप्रेस अब 4 मई से अगले आदेश तक नहीं चलेंगी। इसके अलावा 13 और ट्रेनों का परिचालन रोका गया है, जिसमें से हावड़ा बोलपुर स्पेशल, हावड़ा सूरी स्पेशल आदि ट्रेनें भी शामिल हैं। आपको बताते चले कि जनसेवा एक्सप्रेस भागलपुर से मुजफ्फरपुर तक चलती थी और इसके चलने से भागलपुर, जमालपुर, सुल्तानगंज, बरियारपुर, अभयपुरा, कजरा, धरहरा, किऊल आदि जगहों के यात्रियों को सहूलियत होती थी। अब 4 मई से इस ट्रेन का परिचालन अगले आदेश तक के लिए बंद रहेगा।
सुशांत केस से चर्चा में आए बिहार के वकील का कोरोना से हुआ निधन। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील केशव मोहन की बीते दिन कोरोना बीमारी से निधन हो गई है। केशव मोहन सुशांत केस से ही चर्चा में आए थे और उन्होंने ही सुशांत की मौत के जुड़े मामलों को CBI को ट्रांसफर करने के लिए बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सही ठहराया था। उन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील के तौर पर नियुक्त किया गया था। बीते दिनों वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, मगर उन्हें बचाया नहीं जा सका। किरण पोलार्ड ने सबसे तेज अर्धशतक जड़कर बनाए रिकॉर्ड। मुंबई इंडियंस के अनुभवी ऑलराउंडर किरण पोलार्ड ने बीते दिन IPL 2021 के 27वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अर्धशतक जमाकर रिकॉर्ड बना दिया। पोलार्ड ने IPL 2021 का सबसे तेज अर्धशतक जमाया है और 17 गेंदों में 3 चौके और 6 छक्के की मदद से उन्होंने 50 रन पूरे किए। पोलार्ड ने शार्दुल ठाकुर द्वारा किए गए पारी के 15वें ओवर की चौथे गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में चौका जमाकर अर्धशतक को पूरा किया। आपको बता दें कि यह उनके IPL करियर का 16वां अर्धशतक रहा। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर पृथ्वी शॉ को पीछे छोड़ा, जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 18 गेंदों में अर्धशतक जमाया था। देश भर में 24 घंटे में पहली बार 3 लाख से ज्यादा मरीज हुए कोविड से ठीक। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर यह है कि बीते 24 घंटे में पहली बार 3 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। इसके तहत शनिवार को 24 घंटे में 3,08,522 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 3,92,459 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3,684 लोगों की जान भी चली गई। वहीं अगर बात अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे में कुल 13,789 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 10,905 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके साथ ही राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 1,08,202 हो चुकी है। वहीं रिकवरी रेट 77.10% हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार IPL में आज शाम खेले जाने वाले मैच में पंजाब किंग्स 11 और दिल्ली कैपिटल्स के बीच किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।